हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रैग और लिफ्ट के बारे में। तो ये फोर्सेस क्या होती हैं, ये क्या काम करेंगी ड्रैग और लिफ्ट। देखिए, जब भी कोई भी बॉडी किसी भी फ्लूइड में है, देखिए मैं इसको सिंपल से वे में समझाऊंगा। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे एयर फ्लो कर रही थी या हमारे पास वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसमें इमर्स्ड एक कोई बॉडी है, पूरा उसके अंदर है बॉडी। और अगर तो ये इस तरह से है, मान लो कि बॉडी यहां पे पड़ी है, ये इस तरह से है, ये बॉडी है और ये एयर ही मान लें, तो एयर इसके साथ स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगी, ऑब्वियस प्रेशर लगाएगी। तो ये जो प्रेशर लगाएगी वो लगाएगी इस प्लेट के 90 डिग्री, इसको याद रखना, ये 90 डिग्री पे लगाएगी। अगर मैं इसके कंपोनेंट बना लूं, इसके जो हमारे पास फोर्स है यहां पे, इसके दो कंपोनेंट बनाता हूं, एक यहां पे देखिए, एक यहां पर इस साइड एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। तो मेरे पास अगर मैं मानूं कि ये प्लेट है, ये जो एंगल है अल्फा, अल्फा एंगल है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो अल्फा के सामने वाला जो होता है, ये वाला फोर्स जो है ये सामने होगा ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास, मैं अगर इसको प्रेशर पी मानता हूं तो ये होगा पी साइन अल्फा और ये होगा मेरे पास पी कॉस अल्फा। देखिए, आपको कंपोनेंट बनाने आने चाहिए, नहीं आते तो मैं आपको ऊपर लिंक दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। कंपोनेंट बनाने आने जरूरी है आपको। तो इसमें देखिए, इस तरह से जब ये फोर्स लगेगा तो दो कंपोनेंट जो होंगे, ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको कहेंगे कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस तरफ फ्लो हो रहा है, एयर का फ्लो हो रहा है उसी ही डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है, तो इस फोर्स को हम कहेंगे ड्रैग। ड्रैग क्या है कि इसको पीछे की ओर धकेल रहा है, पीछे की ओर धकेल रहा है कि पीछे चल मेरे भाई, ठीक है। और ये जो फोर्स है इसको हम कहते हैं लिफ्ट, ये कंपोनेंट जो है उसको हम कहते हैं लिफ्ट। तो ये लिफ्ट ऊपर की ओर उठाएगा और ये ड्रैग पीछे की ओर धकेलेगा। तो ये जो ड्रैग और लिफ्ट है ये आप फील कर सकते हैं। देखिए, आप बाइक के पीछे बैठिए, ठीक है, और ये काम बड़ी ही सेफ्टी से, ठीक है, कि पीछे बैठ के ये काम करना है, बाइक के पीछे बैठिए। या आप कार में हैं तो आप बाहर हैंड निकालते हैं तो आपके हाथ के ऊपर एयर स्ट्राइक करती है। जब आप हैंड इसी तरह स्टिल रखते हैं तो आपके कोई ऐसा फोर्स नहीं लगेगा जो आपको ड्रैग और लिफ्ट समझाए। हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका थोड़ा सा भी एंगल चेंज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एयर स्ट्राइक कर रही है, जैसे ही मैंने ऐसे एंगल बनाया, साथ ही साथ हमारा जो हाथ है ऐसे उठ जाता है। ये चीज फील की होगी आपने, नहीं की तो आप एक बार जरूर फील करें। इस तरह से रखना, एंगल थोड़ा सा बनाओगे तो आपका हैंड इस तरह से उठ जाएगा, पीछे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा इस तरह से। तो ये जो होता है, ये कंपोनेंट ऊपर की ओर उठाता है, ये कंपोनेंट पीछे। ड्रैग का मतलब भी इंग्लिश में आप पढ़ोगे ना, ड्रैग समवन, तो ड्रैग समवन होता है खींच के ले जाना किसी को, तो आप ड्रैग कर रहे हो किसी को। तो ये अल्फा एंगल जो होता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ अटैक। तो ये एयर स्ट्राइक करेगी तो ये सारा जो होता है ना, ये हम पढ़ते हैं एरोडायनेमिक्स में, ये मोस्टली वहां पे हमें मिल जाता है। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में भी छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। तो ये आप देखो, जब हमारे पास विंग्स है, तो प्लेन के विंग्स है, तो उस केस में हमें ये पढ़ना पड़ता है, उस केस में हमारे पास एंगल ऑफ अटैक हमें ध्यान करना पड़ता है कि किस तरह से कितना रखना है। ये भी नहीं है, एक चीज देखो इसमें मैं आपको समझाऊं, यहां तक तो मुझे विश्वास है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं बताता हूं कि मैंने अगर उस बॉडी को ऐसे रखा होता सीधा ऐसे, तो इस तरह से बॉडी, तो ये कंपोनेंट ऊपर वाला तो बनना ही नहीं था, लिफ्ट होना ही नहीं था, सिर्फ ड्रैग होना था, पीछे की ओर धकेला जाना था। जैसे ही मैंने ये एंगल बनाया थोड़ा सा भी, मान लो मैंने 30 डिग्री का एंगल या 25-30 डिग्री का एंगल बना लिया इस तरह से, तो इसमें जो कंपोनेंट बनेगा, मैं अगर इसको कंपोनेंट की तरह दिखाता हूं तो यहां पे ये, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कम होगा, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे और ये वाला कंपोनेंट इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये लिफ्ट ज्यादा देगा इस टाइम, ये एंगल ये लिफ्ट ज्यादा देगा और ड्रैग कम करेगा,
लेकिन जैसे ही मैं एंगल बढ़ाता हूं तो यह एंगल और ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, मैं मान लो इस बॉडी को इस तरह से दिखाता हूं और 45 डिग्री का एंगल बनाता हूं जिससे हमारा साइन और कॉस दोनों सेम हो जाए, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 सेम है ना, तो ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे, ड्रैग और लिफ्ट दोनों बराबर मिलेंगे मुझे, ड्रैग और लिफ्ट दोनों बराबर मिलेंगे। तो अगर मैं सीधी प्लेट खड़ी कर दूं तो मेरे पास सिर्फ मेरे पास क्या होगा, इस तरह से स्ट्राइक कर रहा है तो फिर से हमें क्या मिलेगा, ड्रैग ऐसे। तो लिफ्ट चाहिए तो हमें एक प्रॉपर एंगल बनाना पड़ता है, तो एंगल ऑफ अटैक देखना पड़ता है, इसको हम कहते हैं ड्रैग एंड लिफ्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई। मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट, अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।